हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक पांडा वेब, और मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों, अभी मैं आया हूं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। यहां से मेरी ट्रेन है 12818 झारखंड एक्सप्रेस, जो आनंद विहार से बन के चलती है हटिया तक के लिए वाया कानपुर गया कोडरमा होते हुए। तो आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसी झारखंड एक्सप्रेस में, और जानेंगे इस ट्रेन की खासियत क्या क्या है, ये टाइमली होता है या नहीं रहता, कितना लेट चलती है ये ट्रेन। और जो मेरी टिकट है वो है 3rd AC क्लास में B2 कोच में। तो साथ में मैं आपको 3rd AC क्लास के बारे में भी बताऊंगा, आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, खाना फ्री मिलता है या नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड एक्सप्रेस 12818 की जर्नी, और देखते हैं इस ट्रेन की क्या क्या खासियत है और ये ट्रेन कैसा है। ये जो स्टेशन है ये है आनंद विहार रेलवे स्टेशन, दिल्ली का काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें चलती है, अब बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें चलती है। तो प्लेटफॉर्म आप देखेंगे काफ़ी बिल्कुल क्लीन है, और यहाँ पे सारी सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लगेज के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जो बैटरी वाली गाड़ियाँ होती है वो भी आपको अवेलेबल मिलती है। और यहाँ से फाइनली हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइमली चल चुकी है, और अब हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। यहाँ से मुझे जाना है गोमो, जो कोडरमा के बाद का रेलवे स्टेशन है, गोमो रेलवे स्टेशन धनबाद के लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो अब लगभग टाइम से यहाँ से ट्रेन चली है 12818 झारखंड एक्सप्रेस। इस ट्रेन में जो मेरी टिकट है वो 3rd AC में है, और 3rd AC में आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है वो चलिए देखते हैं। अब हम लोग ट्रेन के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर बिल्कुल सेकंड केबिन में ही यहाँ पे हम लोगों की सीट थी। मैं अपने पूरे फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो हम लोग को जो सीट मिली थी वो सारा का सारा मिडिल बर्थ और अपर बर्थ मिला था। तो जब भी आप 3rd AC में ट्रैवल करते हैं तो 3rd AC में आपको कुछ इस तरीके की फैसिलिटी मिलती है। एक केबिन में 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, जैसे कि स्लीपर में होता है, सेम 3rd AC में भी होता है। बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसमें आपको AC की फैसिलिटी मिलती है, आपको अलग से ब्लैंकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी में ब्लैंकेट की भी फैसिलिटी मिलती है, दी जाती है, और थोड़ा यहाँ पे क्लीन व्लीन भी रहता है। तो रात का हमारा सफ़र है, तो रात को जो हम लोग खाना है वो घर से लेके चले थे, क्योंकि 3rd AC में आपको खाना नहीं दिया जाता है। ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि अगर आपने 3rd AC का टिकट लिया हुआ है तो आपको खाना यहाँ पे फ्री में दिया जाएगा। राजधानी शताब्दी ट्रेनों में ही आपको खाना दिया जाता है, वो भी आपसे ऑप्शन के तौर पे लिया जाता है कि आप खाना लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको खाना नहीं दिया जाएगा। तो 3rd AC में यहाँ पे हमें भी खाना यहाँ पे नहीं दिया गया था, तो ये खाना हम लोग घर से ही लेके चले थे। और देखा जाए तो कि ट्रैवल के टाइम पे अगर आपको घर का खाना मिल जाए तो इससे और भी अच्छी चीज़ क्या है। तो हमने घर से ही अपने लिए रात का खाना ले लिया था। तो रात का ट्रैवल है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको 3rd AC में ब्लैंकेट ये सारी चीज़ें दी जाती है AC क्लास में, तो यहाँ पे भी हम लोग को ब्लैंकेट दिया गया था। जितने सीटें थी उन सब के लिए अलग अलग ब्लैंकेट यहाँ पे दिया गया था। और जो रेलवे में ब्लैंकेट दिया जाता है वो वाइट कलर का दिया जाता है। जब भी आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जब देखेंगे, जब सब सो जाएंगे तो सारे के सारे वाइट ब्लैंकेट में लगेगा, अजीब सा मंजर। तो हमने यहाँ पर अपना जो भी था बेडशीट लगा लिया है ट्रेन में, और जो मिडिल बर्थ है मिडिल बर्थ में हमने जो सीट उठा लिया है। मिडिल बर्थ आप रात को 9:30 बजे के बाद ओपन कर सकते हैं, वैसे अगर आप जो लोअर बर्थ है उनके साथ बात बात करके जब भी आपका मन करे आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके भी एक अलग रूल रेगुलेशन है कि आप कितने बजे तक इसको ओपन रख सकते हैं, कितने बजे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी रेलवे ने अलग से रूल बना रखा है। तो हम लोगों ने खाना भी खा लिया, बेड भी लगा लिया, अब हमारा हो गया सोने का टाइम पे। तो अगर आप अलग से लाइट यूज़ करना चाहते हैं तो आपके सभी जितने भी सीट है सब सीट के साथ लाइट दी गई है। तो पूरे कैबिन में लाइट ना जला के अगर आप कुछ रात को वो रीड करना चाहते हैं तो वो जो साइड लाइट होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है काफ़ी स्पीड में, किसी एक रेलवे स्टेशन से क्रॉस कर रही है। शायद ये गाज़ियाबाद का रेलवे स्टेशन है, मुझे उतना पता नहीं चला रात को। और जब भी रात को आप ट्रैवल करते हैं तो जो ट्रेनें क्रॉस करती है उनको देखने का अलग ही मजा है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन का, झारखंड एक्सप्रेस का जो वॉशरूम है वो दिखाता हूँ, कितना क्लीन है। 3rd AC का AC का जो वॉशरूम होता है वो कैसा होता है। और जब भी आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं तो गेट बिल्कुल बंद रखिए, गेट को खुला मत छोड़िएगा। तो ये है 3rd AC का वॉशरूम है, बाथरूम है। साफ सफाई देखी जाए तो इस ट्रेन में आपको वॉशरूम की साफ़ सफ़ाई ठीक ठाक ही मिलेगी, हैंड वॉश भी आपको बाथरूम में मिल जाएगा, तो आपको अलग से
साबुन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, पानी वानी भी ठीक ठाक आ रहा था, सफाई भी ठीक ठाक थी, टाइम टू टाइम यहाँ पे सफाई हो रही थी जो मैंने देखा ट्रेनों में, जो आपको लगभग अदर ट्रेनों में देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर ये सारी चीज़ें देख के मैं भी अपनी सीट पे आ गया और ये देखिए मैं लाइट को यूज़ करके देख रहा हूँ। और रात को यहाँ पे हमारी ट्रेन लग चुकी है, बिल्कुल टाइमली हमारी ट्रेन चल रही है, लगभग 15-20 मिनट का जो है उससे ज़्यादा लेट नहीं है हमारी ट्रेन। और हमारी ट्रेन रात को यहाँ पे रुकी है प्रयागराज में, तो प्रयागराज में हमारी यहाँ पे ट्रेन रुकी, टाइमली थी, यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज है। और ये थोड़ा सा देखिए किस टाइप का ये प्रयागराज का रेलवे स्टेशन है, रात को रुकी हुई है, लगभग सारी यात्री सो ही रहे हैं। यहाँ पे भी आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये भी है एक यहाँ का रेलवे स्टेशन यूपी का प्रयागराज। अब यहाँ से प्लेटफॉर्म से हम लोग चलते हैं, तो रात में ट्रैवल करना एक तरीके से अलग ही होता है, क्योंकि जो लोग रात को ट्रैवल करते हैं पूरी रात तो उनको सोते हुए निकल गए, सुबह आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह घूमने वाले हैं तो आप रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पे उतर के क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं। तो रात को एक चीज़ मैंने और देखा, गर्मी का समय था तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बना हुआ प्लेटफॉर्म वाला एरिया है यहाँ पे लोग पानी से इसको धो रहे थे, तो एक ठंडक पूरा प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिलता है। तो जो आसपास सो रहे थे उनको भी थोड़ी राहत थी, यहाँ देखिए पानी डाल के पूरा इसको धोया जा रहा है। तो इस तरीके की सफाई आपको रेलवे स्टेशन पे अब देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए ये रात का टाइम है और रात में भी यहाँ पे झाड़ू लगाया जा रहा है, पानी से धोया जा रहा है, पूरे प्लेटफॉर्म को धोया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की अब सफाई होती है। तो यात्रियों को भी है कि इस तरीके की जो सफाई है उसको मेंटेन रखें। और अब हम लोग यहाँ से प्रयागराज से निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट रेलवे स्टेशन के लिए, और रात का समय है तो मैं भी सारे रेलवे स्टेशन को कवर नहीं कर पाया। और अब जाके सुबह हो गई, सुबह का जो मंजर था, सामने मालगाड़ी खड़ी थी और हम लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे थे। तो लगभग अब हम लोग यूपी में एंटर कर चुके हैं, रात को एंटर कर चुके थे और ये पूरा यूपी का एरिया आता है। तो जब आप दिल्ली से निकलते तो आपको इस तरीके का नेचर देखने को मिलता है। ये देखिए कितना शानदार नज़ारा, बिल्कुल ग्रीन खेत बने हुए हैं, कुछ खेतों में अलग अलग तरह की फसलें लगी हुई आपको मिल जाएगी। ये जो झारखंड साइड से कोयला आता है मालगाड़ी में, वो गाड़ियाँ यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्रॉस करते हुए जा रही है। तो अगर आपने भी कभी झारखंड एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है तो कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सी कोच में ट्रैवल किया है, आपको कैसा लगा झारखंड एक्सप्रेस। यहाँ पे जो झारखंड एक्सप्रेस है ये कोविड से पहले इसकी जो स्थिति थी वो काफ़ी ही पत्थर स्थिति थी। ये लगभग 17-18-10 घंटे, कभी कभी एक एक दिन तक ये डिले चलती थी, लेकिन अब के टाइम पर ये सही टाइम पर अब चलने लगी है। तो अब हम लोग दूसरे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखिए कि रेलवे स्टेशन पर ही एक छोटा सा मज़ार बनाया हुआ है बिल्कुल प्लेटफॉर्म के बीचों बीच, और ये हम लोग नेक्स्ट स्टॉपेज पे पहुंच गए हैं, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो हम लोग का जो कोच था वो बिल्कुल लास्ट में लगे हुआ था, तो यहाँ पे खाने वाने को कुछ नहीं मिल रहा था। यहाँ पे कुछ फल मिल रहे थे, अंगूर मिल रहे थे और लीची मिल रहा था। तो आप लोगों ने तो लगभग 3 AC का कोच तो देख लिया होगा, और ये है स्लीपर कोच। जनरल कोच में मैं जा नहीं पाया क्योंकि जो हमारी सीट थी और जो कोच था बिल्कुल एंड में लगा हुआ था, तो जनरल कोच में जाने के लिए मुझे बिल्कुल आगे जाना पड़ता। तो ये है स्लीपर कोच। स्लीपर कोच में जैसे मैंने बताया था एसी की तरह ही होता है, बस इसमें एसी नहीं होता है और लगभग इसमें भी एक कैबिन में 8 लोग बैठते हैं। ये देखिए साइड अपर, साइड लोअर और इधर वाली 3-3-6 सीटें। इसमें विंडो ओपन होता है, ग्लास नहीं लगा होता है क्योंकि एसी नहीं है, तो ग्लास नहीं लगा हुआ है। इसमें जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको रात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा शोर सुनाई देगा, सोने के टाइम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको होगा। तो ये है झारखंड एक्सप्रेस का स्लीपर कोच। गर्मी के टाइम में तो स्लीपर कोच में ट्रैवल करना काफ़ी प्रॉब्लम होता है क्योंकि पूरा का पूरा कोच गर्म हो जाता है। तो ये रहा झारखंड एक्सप्रेस का स्लीपर कोच, और इसमें एक और कोच लगाया गया है, 3 AC को ही एक अलग कोच दिया गया है। ये देखिए S2 से डिनोट किया जाता है स्लीपर कोच को, S2, S1, S7, S6 से इस तरीके से स्लीपर कोच में मार्क किया रहता है, जैसे कि AC कोच में B1, B2, B3 था।
काफ़ी सारे यात्रियों का जो क्वेरी रहता है कि इसमें जो थर्ड इकोनॉमिक क्लास लगाया गया है कोच, उसमें कैसी फैसिलिटी होती है, उसमें कैसे बैठने की व्यवस्था होती है। तो सेम वैसे ही होता है, बस इसमें जो बर्थ होता है वो कुछ ज़्यादा ही बर्थ होता है, 2-4 एक्स्ट्रा बर्थ होते हैं, तो जिसकी वजह से जो कोच का एरिया होता है, स्पेस होता है, वो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती है, एसी मिलता है आपको, यात्रा के टाइम पे आपको ब्लैंकेट भी दिया जाता है। तो ये है थर्ड इकोनॉमिक कोच, जिसका किराया थर्ड एसी से 100-150 रुपये ही कम होता है, और थोड़ी सा इसमें कोच में आपको कंजेस्टेड मिलेगा स्पेस की वजह से। तो ये आपने थर्ड एसी देखते स्लीपर देख लिया और इकोनॉमिक कोच भी देख लिया। तो अब चलते हैं अपने कोच में, क्योंकि ट्रेन का यहाँ से चलने का टाइम हो गया, B5 मेरा है, B2 बिल्कुल एंड में है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने कोच में, अपनी सीट पे, और फिर आपको आगे का ट्रैवल का पूरा का जर्नी बताया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे लीची दिख गया जो मिल रहा था 200 रुपये किलो लीची अभी के टाइम पे। अंगूर में तो लीची सीज़न अभी स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 100 रुपये का हाफ केजी ले लिया। अभी हमारी ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, तो 100 केजी का यहाँ पे 100 रुपये का हाफ केजी हमने लिया, 200 रुपये केजी था। लोगों का कहना होता है जो प्लेटफॉर्म पे देते हैं अच्छा नहीं देते हैं, यहाँ पे जो वेट होता है वो सही से करके नहीं देते हैं। और अब हमारी ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय से भी निकल पड़ी है, तो ये देखिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, अगर आप लोगों को पता है कि इसका जो पहले नाम था वो क्या था, कमेंट करके बताएं कि इसका जो पहले नाम था वो क्या था। जिन लोगों को पता है वो जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ट्रैवल के टाइम पे 2-3 जो मुझे वीडियो मिले वो बहुत ही शानदार वीडियो मुझे मिले। देखिए यहाँ से हमारी ट्रेन इधर को जा रही है, एक ट्रेन वापस इधर को आ रही है, और उसके बगल में भी एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है जो हमारी ट्रेन के पैरेलल बिल्कुल चल रही है। दोनों में रेस चल रही थी लेकिन बीच में ये ट्रेन आ गई, तो वीडियो आपको कंप्लीट दिखेगी नहीं। ये देखें, ये मालगाड़ी के साथ रेस चल रही थी, बीच में अचानक से दूसरी ट्रेन आ गई। तो इस तरीके का नज़ारा आपको ट्रैवल के टाइम पर मिलेगा। लेकिन आप लोगों को बोलूँगा कि गेट पे लटक के ट्रैवल ना करें, और जब बिहार झारखंड में एंटर करते हैं तो बिहार झारखंड में इस तरीके का आपको चना मिलेगा, और इस तरीके का चना जो मिलता है उसका खाने का अलग ही मज़ा आता है। ये बिल्कुल जो नींबू मिर्च मसाला मिला के देते हैं, ओहो इनको खाना, आप जब भी झारखंड आइए तो मैं कहूँगा कि इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। नॉर्मल ही चना की तरह ही होता है, चना जैसे आप लोग घर में बनाते हैं, लेकिन झारखंड इन सब में आपको ये काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। और अब हम लोग कोडरमा एंटर करने वाले हैं, तो ये कोडरमा की घाटी अब एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पे भी एक ट्रेन हमारे क्रॉस करते हुए निकली थी। और जस्ट ये टनल जो है कोडरमा, जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे 3 टनल पड़ता है, तो टनल जब हम लोग एंटर करने वाले थे तो वहीं से ये ट्रेन क्रॉस कर रही थी, तो मुझे मौका मिल गया इसको कैप्चर करने का। ये देखिए ये ट्रेन यहाँ से निकली और अब हम लोग टनल की ओर चले, काफ़ी अच्छा नज़ारा था। ये 3 टनल पड़ता है, तो अगर आप कोडरमा उतर रहे हैं तो जैसे टनल आपको क्रॉस हो गया आप समझ जाइए अब आपका स्टेशन आने वाला है। लेकिन इस बार नॉर्मली तो मैं कोडरमा उतर के ही अपने होम टाउन हजारीबाग जाया करता हूँ, लेकिन हमें जाना था धनबाद, तो हमें उतरना है गोमो होते हुए ये हटिया जाएगी, तो हम कोडरमा में ना उतर के सीधा उतरेंगे गोमो रेलवे स्टेशन। गोमो रेलवे स्टेशन, कोडरमा रेलवे स्टेशन, प्रयागराज, न्यू दिल्ली, आनंद विहार, इन सब की वीडियो मैंने बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं इन सब की वीडियो। तो अब हम लोग गोमो रेलवे स्टेशन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन भी आप इसको कह सकते हैं,
यहाँ पहुँच गए हैं और इसी के साथ हमारी जर्नी अब समाप्त होने वाली है। आप लोगों को वीडियो में लगभग इस ट्रेन की सारी जानकारी मिल गई होगी, सारे कोच के बारे में मिल गया होगा। ट्रेन में आपको थर्ड एसी में खाना मिलता है नहीं मिलता है, ब्लैंकेट के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है, ये सारी जानकारी आपको मैंने दे दी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन पहुँच गए और अब हम लोग निकलेंगे बाहर। बाहर निकलने के बाद फिर हम लोग जाएंगे अपने सिस्टर के यहाँ पे, कुछ फंक्शन है तो उसी को अटेंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये लोग भी यहाँ पहुँच चुके थे रिसीव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ की जर्नी, आज की जर्नी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो आता ना, वो बैठा दीजिएगा, 20 साल बाद और सब्सक्राइब कीजिए, बाय।